डेढ़ रुपए का दौर आया, दो रुपए का दौर आया, हमारा बचपन पुराना नहीं, 30-35 साल पीछे चले गए। दिन में 3 मरतबा 10 पैसे मिलते थे, स्कूल को जाते वक्त 10 पैसे, आकर 10 पैसे, रात को अरबी को जाते वक्त मगरिब के बाद या ईशा के बाद 10 पैसे, 30 पैसे खुशी, उसके ऊपर 10 पैसे पूछे तो मारने की भी जरूरत नहीं, घूरे तो तौबा करते, मारने की भी जरूरत नहीं, घूरे तो तौबा करते। आज भी बच्चा पैसे पूछता है, बाप उठाकर 5 रुपए देता है कि तो रुपए 2 रुपए के कहीं ना नहीं, 5 रुपए दिया तो बच्चा भी अफसोस करता है कैसे फकीर के पेट में अल्लाह ने पैसा दिया। बच्चा सोच रहा है रास्तों में घरों के दरवाजों में फकीर मांगने आते हैं, दे दो दे दो, लेकिन आजकल के फकीर भी जरा VIP हो गए हैं। अगर फकीर ने दरवाजा किटकिटाया, 5 रुपए का बिल्ला देकर भेजे तो उन्हें 5 रुपए डाल को बोलता है, एक समोसा एक चाह मेरे तरफ से पी लिए बोल। 10 रुपए में समझौता नहीं हो रहा है, 5 रुपए में समझौता नहीं हो रहा है। आज से तकरीबन मैं 60 साल पहले की बात अर्ज कर रहा हूँ, जनाब लाल बहादुर शास्त्री साहब का दौर, उस दौर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग छिड़ गई और मुल्क का पैसा जंग में खर्च हो गया। हैदराबाद के निजाम जो तीसरी नजर के थे जिंदा थे हैदराबाद में, लाल बहादुर शास्त्री साहब ने एक खत लिखा, हमसे पूछते हो मुल्क का सबूत, हमारे बड़ों ने जो सबूतें पेश की है पहले उसे इस्तेमाल करो, बाद में हमारे सबूत पूछो। हमारे बड़ों ने जो सबूत पेश किए ना, पहले उसे इस्तेमाल करो। इसीलिए कोई शायर कहता है, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो ये इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। और कम वक्त में कुछ जज्बात पेश कर दूं, क्योंकि जो जहन में है पूरा उन्वान पेश करने का वक्त नहीं है, मुझे कुछ आखिर में आपको नसीहत भी करना है ताकि उस पर अगर आप अमल करने, वो मेरी नसीहत नहीं, हमारे बड़ों का कलम हमारे बड़ों की जुबान है, जो आजिज आपके सामने पेश करने वाला है उसे इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर किसी भी धर्म के रहने वाले को डरने की जरूरत नहीं, और खास तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने एक लेटर लिखा निजाम हैदराबाद को, जो निजाम सुगमियत चाहते थे, बड़े मोहब्बत के साथ एक लेटर लिखा कि निजाम साहब मुल्क की जंग पाकिस्तान से चिढ़ गई, पूरा पैसा खर्च हो गया, मजीद पैसों की सख्त जरूरत है, ऐसे में अगर आपका ताउन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इंग्लिश का लेटर आपके पास मौजूद होगा, उसका ट्रांसलेशन तर्जुमा कर रहा हूं। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने निजामे चहरुम
या शुभम को लिखते हैं, निजाम साहब मुल्क की जंग पाकिस्तान से छिड़ गई और मुल्क की तारीख में हार नहीं है। जो पैसा था मुल्क का पूरा खर्च हो गया है, काम की गुजारिश है। निजाम जो इस्लाम का बेटा था, मोहम्मद का गुलाम था, हमारे घरों में से था। गुनाह किससे नहीं होते साहब? ताली निजाम के गुनाह ज्यादा रही, हमारे गुनाहों को निजाम देख लेता तो हमारे से पर्दा करता। निजाम ऐसा था। तुम्हें क्या अब्दुल कादिर जीरानी के पोत्र है? दौलत आती है तो बिगड़ने के रास्ते ज्यादा आ जाते हैं। दौलत लेकर भी संभलने वाले कम, दौलत के साथ बिगड़ने वाले कम। लोग बमड़िया मारते नहीं, एक चोरू मुसलमान दो करते। मैं साफ कहता हूँ भाई, दिखा को हमें दो करते, छुपा को चार तुम्हें करते। हाथ देकर दो हमें करते, हाथ देकर तीन हमें करते, हाथ देकर चार हमें करते। बार बार सऊदी का दौरा तुम्हारा कहीं को हो रहा है, दुबई का दौरा कहीं को हो रहा है, बहरेन का दौरा कहीं को हो रहा है, अमेरिका का दौरा कहीं को हो रहा है। तुम्हें समझे तो मेरा कसूर नहीं रे बाबा, तुम्हें समझे तो फिर मेरे ऊपर डाउट करेंगे। तुम्हें क्या समझे कि आई डोंट नो? मेरे हाथ बता रू मैं आपको। इस्लाम कहता है छुपा कर दो करने से, छुपा कर तीन करने से, छुपा कर चार करने से, दिखा कर दो कर लो अपनी तो दे दो, दिखा कर तीन कर लो अपनी तो दे दो, दिखा कर चार कर लो अपनी तो दे दो। मुझे एक साहब पूछे, हजरत तुम्हें बेंगलुरु में कहते ना अपनी का डाउट तो हर एक पर होता ना, पूरी खाओ पर डाउट करनी तो सिंगल पर डाउट करना क्या बात है। असल में मौलाना अब्दुल वहाब साहब जो हम पर डाउट करते ना, उनका जो कसूर नहीं है, वो डाउट नहीं करते, आईने गलत कहे लिए, डाउट नहीं करते, आईने गलत कह लिए हैं। अगर ये नफरत का, ये तासुब का, ये अदावत का चश्मा निकाल देंगे, आज भी हमारे चेहरों में जमाने को टीपू नजर आएगा, आज भी हमारे चेहरों में जमाने को बहादुर शाह जफर नजर आएगा, आज भी हमारे चेहरों में जमाने को हजरत बाबर, हजरत हुमायूं नजर आएंगे, शाहजहां नजर आएंगे, औरंगजेब अलैहिर्रहमान नजर आएंगे। मैं उनसे कहता हूं, हिंदू भाइयों से नहीं कहता, मैं बताऊं इस मुल्क में अभी भी 80% हिंदू भाई इतने अच्छे हैं, दिल से दुआ निकलती है, बहुत अच्छे हैं। वही तो सफर का कीड़ा है, मेरी सुबह कहीं शाम कहीं। एक मर्तबा मैं बेंगलुरु से विजयवाड़ा की बस में बैठा, सामने ड्राइवर के पीछे की सीट सामने थी, वॉल्वो मर्सिडीज बेंज बस। अब कितने अच्छे सफर करना की कर ले, ठीक है तो रेलवे स्टेशन अभी बंद हो रही थे, नोटा बंद हुए, तलाक बंद हुई, ढाका बंद हुए, अब रेलवे स्टेशन अभी बंद हो रही। होते होते एक दिन कहीं अल्लाह ना करे हजार मरतबा हमारा मुल्क ही बंद ना हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं होगा तब तक जब तक मुसलमान इस मुल्क में है। इस मुल्क में मोहम्मद का गुलाम है, इस मुल्क को ऐसा होने नहीं देगा इंशाअल्लाह। तो मर्सिडीज बस बस थी, उसमें बैठा मैं, बड़ी अच्छी बस है, बैठ कोई नहीं, तुम लगा नहीं बैठे, अल्लाह बिठा है। प्लेट में बैठे तो वो मजा नहीं आता, जो मर्सिडीज बस स्कानिया बस में बैठे तो हा, जरा लंबे हो गए तो आईसीयू में पड़े सगा दिखता। मुझे तो छोड़ने आए थे साथियां, तकरीबन 10-12 साथियां एक प्रोग्राम से जाकर मुझे लाकर छोड़कर बस में बिठाए, तो सब मुझे, मैं तो गुनहगार हूँ, ये लिबास अल्लाह ताला जो अता किया उससे मोहब्बत पैदा हो जाती है। कोई हाथ को बोसा दे रहा है, कोई पेशानी को बोसा दे रहा है, कोई पानी का बॉटल लेकर दे रहा है, कोई चाय पीते क्या पूछ रहा। तो मेरे सीट के बाजू दो एक है मुस्लिम भाई बैठे थे, उन्होंने इस अकीदत को देखा, क्या देखा, इस अकीदत को देखा। देखने के बाद बैठे, बैठने के बाद
मैं खुद पढ़कर पहले उनको देख लो मुस्कुराया, हमें भी ऐसा मुस्कुराना, समझ में आई बात है। मुस्कुराहट है ना, दिलों को खरीद लेती है। तुम्हें भी मुस्कुराती क्या इसे? मैं भी बाजू में था आपको देख कर मुस्कुरा कर, बाटल था ठंडा पानी, में पूछा सर पानी पियेंगे? नहीं 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 बहुत शुक्रिया, अभी मैं पिया हूँ, बहुत अच्छी बात करे। खैर उसने जर्रा बस निकली तो टीवी जो थी उसमें किचन डाल दिया, वो बसों में डालते क्या करें। मुझे भी लोग पूछते हजरत बसा में सब तुम्हें जाते ना हजरत, उसमें टीवी डालते ना, तुम्हें क्या करती देख तू रे बाबा, मस्जिद का सदर देख सकता, मस्जिद का सेक्रेटरी देख सकता, हज को जाकर आया तो हाजी देख सकता, बार बार उमरा करने वाला देख सकता, टीपू क्या कमेटी संघर्ष समिति कमेटी के नौजवान देख सकते, भाई बिल्कुल नहीं देख सकते, जिब्रील का खलेरा भाई। पूछते अगर देखती क्या तो ना देखता है यार, मुस्लिमों को मालूम कि मुसलमान गलत देखता नहीं, और मुसलमानों में भी ये गुरु ये उलमा होते ना ये फिल्म वगैरह देखते हैं। अब वो मेरे साथ कुछ अच्छी बात की है, उसके बाद बस जा रही है कुछ उठकर उन्हें ड्राइवर के पास गया, क्या वास्ते गया बंदे क्या मालूम, उठी भी मुझे तारीफ करने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर के बाद आकर बैठा, बस का जो क्लीनर था टीवी ऑफ कर दिया। बाद में मेरे बाजू जो हिंदू भाई मेरे बैठे थे इसमें, कि उन्होंने कहा कि गुरु जी आप खूब आराम करें या कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़े, हमको मालूम है कि आप टीवी नहीं देखते, मैं एक 200 रुपये समथिंग देकर टीवी ऑफ कर दिया। बहुत अच्छे हैं इस मुल्क के बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई, दिल से दुआ निकलती है। हजरत मौलाना पी एम ज़करिया साहब वाला जाए रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद एक मरतबा इरशाद फरमाया, बेटे इस मुल्क के हजारों लाखों गैर मुस्लिम भाई इतने अच्छे हैं, आमाल में अच्छे हैं, मामलात में अच्छे हैं, आदात में अच्छे हैं, अखलाक में अच्छे हैं, बेटे अगर एक कलमा नसीब हो गया फिर उनको पूरी जिंदगी अमल करने की जरूरत नहीं, इधर कलमा नसीब होगा उधर विलायत मिल जाएगी। जनाब लाल बहादुर शास्त्री साहब ने लेटर लिखा निजाम मुल्क के हालात जंग की वजह से खराब हो गए, उनकी गुजारिश है निजाम मरहूम जनाब लाल बहादुर शास्त्री साहब को फोन करके बताया, जनाब पीएम जनाब वजीर आजम दिल चाहता है आपका खत पढ़ा, दिल चाहता है कि आप एक मरतबा हमारी रियासत आए चार्टर्ड फ्लाइट में, हम आपका पुरजोश इस्तकबाल करेंगे, आपकी गुजारिश को हुक्म समझेंगे। याद रखो इन पहलुओं को याद रखो, क्योंकि सवाल करने वाले का जवाब हाथ से नहीं जुबान से दो, क्योंकि जुबान का जवाब हाथ के सवाब से ज्यादा सख्त होता है। लोग पूछते हैं ना कि इस मुल्क का मुसलमान मुल्क को क्या दिया, खून भी हमने दिया, पसीना हमने दिया, माल हमने दी, इज्जतें हमने दी, शहादतें हमने दी, कुर्बानियां हमने पेश की, ये पगड़ियां किसकी जलाई गई, ये चेहरे पे दाढ़ियां किसके मिटाए गए, किसको मुसलों से खींचा गया, किसको बुखारी और मुस्लिम पढ़ाने के मसनदों से उठाया गया, हमारे हाथों में असा आप तुम देख रहे हो नौजवानों महालिमपुर के, हमारे हाथों के असों को आज तुम देख रहे हो, यही उलमा के हाथ में आज से 200-250 साल पहले नंगी तलवारें थी मुल्क को बचाने के लिए, नंगी तलवारें थी मुल्क को बचाने के लिए, आज हमारे जेब में मिसवाक रहा तो ढूंढ सकते हो, आज हमारे जेब में बिलट रहा